हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ राधा रानी की कृपा से। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह के बज रहे हैं कुछ 8:30 और मैं कुछ 7 बजे उठी हूँ, बिकॉज थोड़ा सा मैं लेट उठती हूँ। आज कल मेरे जीशू के ट्यूशंस, मॉर्निंग ट्यूशंस नहीं है क्योंकि विंटर वैकेशन चालू हो गए, तो जीशू अपने नानी के घर गया हुआ है। तो 5 बजे 4:30 बजे सुबह मैं ना उठ करके 7 बजे तक उठ जाती हूँ। लेट नाइट स्टडीज़ मैं कर लेती हूँ आजकल सुबह उठने से, क्योंकि ऐसे फिर क्या है कि सुबह उठने के टेंशन में मैं रात को नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन अब सुबह उठने का टेंशन नहीं है तो मैं रात को अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लल्ला को कुछ खिला देते हैं। मम्मी ने लल्ला को उठा दिया है, लेकिन कुछ अभी खाने को नहीं दिया है और पानी भी नहीं दिया है। तो मैंने सोची कि मैं, मम्मी ने बोला कि दे दो तुम लल्ला को कुछ खाने के लिए, तो लिटिल हार्ट मैं, तो ये रहा गाइस लल्ला के लिए मैंने लिटिल हार्ट लाया है। और इधर हमारे लल्ला बैठे हुए हैं सुबह सुबह उठ करके। राधे राधे बोल दीजिए लल्ला, भक्तों को राधे राधे बोल दीजिए और लिटिल हार्ट खा लीजिए। लल्ला को तो भोग लगा दिया है, अब बना लिया जाए चाय, बिकॉज सुबह सुबह जब तक चाय और कॉफ़ी ना पियो तब तक दिन की शुरुआत होती कहाँ है। तो चाय बना लिया जाए, चाय वाले बर्तन का करते आओ। लेते आएंगे इंडक्शन में तो चढ़ा दिया, आप कुकर तो कैसे बनाएंगे? आज बन रहा है घर में छोले। जब ट्यूशन नहीं जाना है तो रात में मैं ये सोच करके सोती हूँ कि मस्त कल तो ट्यूशन नहीं जाना है, आराम से लेट से सोएंगे, लेट नाइट स्टडी कर लेते। तो कल मैं इतने लेट तक पढ़ी थी, लेट नाइट स्टडी मैंने किया था, तो जितनी कि सुबह अगर 9 बजे तक भी उठी तो ठीक है, क्योंकि दिन भर में रूटीन तो मेरा कम्प्लीट हो ही जाना है रात में पढ़ के। लेकिन जब ट्यूशन ना जाना रहे तो सुबह मेरा 7 बजे से ही नींद खुला हुआ है। पता नहीं कैसे नींद खुलेगा, लेकिन 7 बजे से ही मेरा नींद टूटा हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने फटाफट से अपनी चाय इंडक्शन पर चढ़ा दी, चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी सब डाल करके। और जब तक मेरी चाय बन रही थी तब तक मैं चले गई स्टडी टेबल पर आज का टू डू लिस्ट बनाने के लिए, बिकॉज जा रही हूँ गाइज़ दुकान शैम्पू और दूध लाने के लिए, बिकॉज दूध नहीं है और शैम्पू भी नहीं, और आज हेयर वॉश करना है। मम्मी बाहर से गेट सटा दे रहे हैं, ठीक है। गाइज दूध और शैम्पू तो मैंने ले आया है और अब आई थिंक मुझे और चोट लग गया, ठंड में चोट लगती है ना, नानी दादी याद आ जाता है। हाँ तो दूध ले आया है मैंने, शैम्पू भी ले आया है, अब आई थिंक मुझे नहाने जाना चाहिए, बिकॉज आज मैं अपने ट्यूशन्स थोड़े जल्दी कंप्लीट करूँगी। आज शाम को हमारा थोड़ा सा बाहर जाने का प्लान है, लल्ला को लेकर के घूमने जाने का प्लान है, तो इसीलिए फटाफट से अपने ट्यूशन्स कंप्लीट करने, तो आई थिंक फटाफट से नहाना भी पड़ेगा। 11 बजे से ट्यूशन्स मैं करूँगी आज जल्दी, और 9:30 तो बज ही गए। मैंने नहा लिया है और पूजा भी कर लिया है, और यहाँ पे देखो मम्मी ना, आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग शाम को घूमने जाने वाले हैं और लल्ला को भी लेकर के जाएंगे, तो मम्मी अभी लल्ला का पूरा बॉक्स निकाल के बैठी जिसमें लल्ला के श्रृंगार का सामान, ड्रेस वगैरह सब सब रखा हुआ है, वो निकाली है मम्मी ने। और मम्मी डिसाइड करी कि आज कौन सा ड्रेस लल्ला को पहनाना है, रुको मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो ये लल्ला का बॉक्स है, इसमें सारे कपड़े वगैरह श्रृंगार देखो इतने सारे है रखे हुए, इधर स्वेटर और भी काफ़ी सारे स्वेटर वगैरह है। ये 2 दिन मैंने नए स्वेटर लाया था। अगर आप लोगों को ना लल्ला के मतलब ड्रेस कलेक्शन वाला वीडियो अलग से चाहिए ना तो ज़रूर बताना, मैं लल्ला के ड्रेस कलेक्शन वाला वीडियो लेके आऊँगा। हाँ ये दोनों में से भी मत ना, वो वाला था ना दिवाली को ही नहीं, ये दिवाली वाला। हाँ इसको हम लेके जाएंगे देवघर, ये ज़्यादा अच्छा। तो 1 तारीख को तो न्यू ड्रेस पहनाओगे ना? कोई तो न्यू भी पहना दे, न्यू भी पहना दे, चार चार टू ड्रेस पहना दोगे? ड्रेस पहना के ऊपर से उसको पहना दे। हे पागल हो गया, मैं नया कपड़ा रहने दो ना। ये देखो गाइस ये वाला एक बार पहना चुकी है, तो मैं बोल रही हूँ कि ये वाला दिवाली में पहनाई थी, मैं बोली अभी आज यही वाला पहना दो, फिर न्यू ईयर में तो न्यू ड्रेस पहनेंगे ना, तो ये दोनों में से एक भी ड्रेस नहीं पहने हैं, और इतना सुंदर तो है वेलवेट वाला, तो न्यू ईयर में दोनों में से कोई एक ड्रेस पहना लेंगे। अभी रिपीट करके ये पहना देते, दूसरी बार ये आज पहना देते, यही सही रहेगा।
मुकुट भी यही? हाँ मुकुट यही है ना मैचिंग, और तो पिंक कलर का है नहीं मुकुट, नहीं ना है। स्वेटर टोपी? स्वेटर तो हमको लगता है कि इसके ये स्वेटर इनका जैकेट, मतलब ये जो शर्ट है ये अंदर पहना देना, उसके ऊपर से ड्रेस पहना देना। ऐसे ड्रेस तो मोटा है ही, और कंबल रख लेना, तो मतलब अगर थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो ठंड लगी तो ओढ़ा देना रात में। और वैसे भी इनको तो बास्केट के अंदर में रखेंगे तो अंदर थोड़ी हवा जाएगा, ऐसे बंद रहेगा ना बास्केट, तो अंदर हवा नहीं जाएगा। यही ड्रेस फाइनली डिसाइड हुआ है। और टोपी को क्या करना ना, ये टोपी पहना देना ठीक है, उसके ऊपर से मुकुट पहना देना ठीक है, यही करना। फिर भी इसको भी रखते हैं, देखते हैं। हाँ मम्मी ने लल्ला को ड्रेस पहना दिया है, अंदर स्वेटर है ऊपर से ड्रेस, देखो कितने खुश। अरे वाह। और टोपी के अंदर भी ना एक बुलन वाला टोपी है, मतलब मुकुट के अंदर भी। खुश लल्ला खुश। मैंने अपना एक ट्यूशन कंप्लीट कर लिया है मुको के यहाँ, और अभी मैं जा रही हूँ हर्ष लोग के यहाँ, फिर छोटी के यहाँ भी, सॉरी कंप्लीट कर लिया मैंने, दो ट्यूशन कंप्लीट हो गया। अरे वाह। अब बस मुझे हर्ष के यहाँ जाना है और खुशी के यहाँ जाना है, उसके बाद फिर हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम लोग शाम को जाएंगे घूमने। तो मैं घर आ चुकी हूँ सारे ट्यूशन वगैरह कंप्लीट करके, और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, और यहाँ पे लल्ला को भी हमने रेडी कर दिया है, सुबह ही कर दिया था। और इनका सारा सामान वगैरह रखा है मैंने, दिखाती हूँ। बास्केट में लल्ला को रखा है हमने, और एक इनका ब्लैंकेट, और एक ब्लैंकेट पे इनको हमने बिठाया है, और इस पे है गंगा जल, और ये है लल्ला का तुलसी पत्र लल्ला के लिए, क्योंकि वहाँ कुछ खिलाएंगे तो तुलसी पत्र रख लिया, और एक मंच रख लिया तब तक के लिए, अगर लल्ला को रास्ते में भूख लगी तो वो खा सकते हैं। और यहाँ पे एक बैग में हमने टोकरी रख लिया है लल्ला का, टोकरी अगर बाहर निकालेंगे तो इस टोकरी में रख के निकालेंगे, और लल्ला का मुँह पोंछने के लिए एक हैंकी रखा है, और ये हमारा बास्केट। और आंटी जिनके साथ हम जा रहे हैं उनके पास भी लल्ला है, तो उनके थोड़े छोटे लल्ला है, तो उनको भी हम यहाँ पे बगल में इसी टोलची में बिठाएंगे, क्योंकि उनके पास अभी कटोरी टोकरी वगैरह है नहीं। तो चलो, और मम्मी हो रही है रेडी यहाँ पर, चलो चलते हैं। सब लोग निकल चुके हैं, ये देखो आंटी और मम्मी बैठी है, और ये हम जा रहे हैं, और यहाँ पे लल्ला भी बैठे हुए हैं। ले लीजिएगा, यहाँ पे बार्गेनिंग हो रहा है गाइस, और ये दोनों लल्ला बैठे हैं गोदी में। अरे पहुंच चुके हैं एनटीपीसी, और ये देखो लल्ला को अभी अंदर ही है टोकरी के, देख रहे हैं सारी चीजें। से चीज एवरीबॉडी, सृजन चीज कर दो। चलो हाँ, देखिए मम्मी और आंटी को भी देख लीजिए गाइज, आप लोग कैमरा फोकस चाहती। हम पहुंच चुके हैं गाइस शिव मंदिर, जो कि एनटीपीसी के अंदर में था, हम यहीं आने वाले थे आज सुबह से, हमारा प्लान था यहीं आने का। बहुत मस्त मंदिर है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, और यहाँ पे मैं काफ़ी बार जा चुकी हूँ, और काफ़ी सारे व्लॉग्स भी मैंने शिव मंदिर का डाल चुका है, आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हो। यहाँ पर देखो मम्मी ने लल्ला को बास्केट से निकाल के टोकरी में रख लिया है, और आंटी के लल्ला बास्केट में ही है, बिकॉज आंटी टोकरी नहीं लाई है, तो दोनों अपने अपने लल्ला को आराम से पकड़ के खड़ी है। अभी अंदर जा कर के दर्शन करेंगी, एंड दर्शन वगैरह करने के बाद हम सब देखो घूम रहे हैं पूरे मंदिर में, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है, आराम से घूम रहे हैं। यहाँ पे मैं सबसे पूछ रही हूँ मज़ा आ रहा है कि नहीं, और छोटी से पूछ रही हूँ, तो छोटी कुछ बोल ही नहीं रही है, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तू मेरा यूट्यूब फ्लॉप करवाएगी लड़की। एंड फिर बहुत मज़ा आया गाइस घूमने में, और आंटी देखो लल्ला, मम्मी लोग बोल रही थी कि लल्ला को लेकर क्या, इसीलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आंटी भी बहुत खुश है, अब सब बहुत खुश है, बहुत मज़ा आया, मस्त एकदम इन्जॉय किया हमने आज। फिर राधा रानी को हमारे लल्ला देख रहे हैं, जा रहे रेस्टोरेंट पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि हमने आज सोचा ही था कि बाहर में ही बाहर से खा करके जाना है घर, तो हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट। हम सब ने अपना अपना मेन्यू सोच के रखा है, छोटी बुली की, छोटी कुछ भी नहीं खाएगी है ना, छोटी छोटी बुली की सब लोग खाएंगे, मैं तो सिर्फ मुंह धो के देखूंगी सबका, कुछ नहीं खाएगी छोटी, लेकिन भाई हम लोग तो खाएंगे चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल सब कुछ खाएंगे, एकदम मस्त मज़े करेंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं, ये है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे ही एक रेस्टोरेंट है ICH इंडियन कॉफ़ी हाउस, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके खाएंगे। यहाँ पे सारे शॉप्स वगैरह है। हम लोग निकल चुके हैं ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से, ऐसे तो हमारा प्लान था यहीं के रेस्टोरेंट में कुछ खाने का, बट वहाँ कुछ खास पसंद नहीं आया। और ये मैडम कहाँ है, इसको मैंने पिज्ज़ा खाने का,
तो अब हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट जा रहे हैं जिसका नाम है तड़का टेल्स, और वहाँ के बारे में काफ़ी कुछ सुना है हमने कि बहुत टेस्टी होता है वहाँ का खाना, बट थोड़ा सा कॉस्टली होता है। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। और लल्ला ने तो हमारा खाना खा लिया, इनको ठंड लग रही थी तो बास्केट हमने चुके हैं तड़का टेल्स। यहाँ पे अब हम लोग करेंगे भोजन। लल्ला का है, दिखाओ लल्ला को, दिखाओ। ये है हमारे लल्ला, यहाँ पे आराम से लेते हुए क्योंकि इनको ठंडी लग रही थी। मम्मी लेके बैठी है, भी बैठे हैं ये। तो हमारा आ गया, हमने नूडल्स मंगाया था, यहाँ छोटी ने मंगाया है पिज्ज़ा। दिखाओ ना पिज्ज़ा, हटा ना। मेरा भी पिज्ज़ा आ चुका है गाइस। मैंने ओनियन पिज्ज़ा मंगाया था और छोटी का पनीर पिज्ज़ा था, बट छोटी का पिज्ज़ा ज़्यादा टेस्टी था। कोई बात नहीं, नूडल्स भी मैंने अपने लिए ही ऑर्डर किया था एंड नूडल्स का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हक्का नूडल्स ही था, सिंपल प्लेन, बट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइस नहीं खा पाती हूँ, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत टेस्टी था। फिर आया हमारा कढ़ाई पनीर और नान, और इसकी तो क्या ही बात की जाए गाइस, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो सारी चीज़ों को खा पी करके लास्टली, इसे पानी मत समझना गाइस, ये 7 अप है, मैंने 7 अप एक ग्लास ऑर्डर किया था, इसे पी करके हम निकल गए वहाँ से। रेस्टोरेंट से बाहर निकल के हमें मिल गई टोटो, और फिर हम अब जा रहे हैं घर। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तो चलो घर जाते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग घर आ चुके हैं और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और मैं लेट चुकी हूँ बिकॉज आई एम सो टायर्ड। तो अब डायरेक्ट सोना है, 9 बज रहा है, थोड़ी देर में सोना है, पढ़ने का तो हिम्मत है नहीं गाइस, तो आज स्किप करते हैं, कल पढ़ाई करते हैं। तो चलो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।